15 सालों से भटक रही विधवा महिला को नहीं मिला आवास, जेई और सचिव की लापरवाही आई सामने। आपको बता दें कि यह पूरा मामला प्रयागराज जिले के कौंधियारा ब्लॉक का है, जहां पर एक विधवा महिला 15 वर्षों से आवास के लिए भटक रही है और किसी तरह उसका आवास सूची में नाम दर्ज भी हुआ तो कौंधियारा ब्लॉक के जिम्मेदार जेई एमआई ने नौगवा ग्राम सभा के पटेल नगर में कच्चे और जर्जर मकान में गुजर बसर कर रही विधवा महिला नचकई देवी पत्नी स्वर्गीय सुरेश पटेल का आवास सूची में नाम दर्ज था उसके पास जाकर कहा कि हम आपके आवास की जांच करने आए हैं, अगर आप हम लोगों को 5,000 रुपये दे दे तो आपका आवास पात्र सूची में नाम दर्ज कर ले, अगर नहीं दोगे तो मैं पहले से पक्का मकान में दर्ज कर लूँगा तो आपको कोई आवास नहीं दिला सकता। वहीं विधवा महिला के पास रुपए ना होने की वजह से नहीं दिया तो उसका आवास अपात्र दिखा दिया गया, जबकि विधवा महिला का आरोप है कि अगर माननीय प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री हम गरीब के लिए आवास भेज रहे हैं तो क्यों हमको नहीं मिल पा रहा है, जबकि हमने मोदी जी को वोट दिया था, हमारे लिए कुछ करेंगे, लेकिन जो ब्लॉक के आवास संबंधित अधिकारी हैं वह घूसखोरी करके ही आवास देंगे। विधवा महिला ने कहा कि हमारे घर की जांच हो और मैं अपने दो बच्चों की कसम खाती हूं कि हमारा एक घर कच्चा है और जांच हो और जेई एमआई और सचिव की जांच पड़ताल करके उन पर घूसखोरी करने का मुकदमा दर्ज होना चाहिए। मैं बहुत ही गरीब हूं, मैं शिकायत करने नहीं जा सकती हूं और हमारे दो छोटे छोटे बच्चे हैं, इसी वजह से मीडिया वालों का सहारा लेकर अपनी बात कौंधियारा ब्लॉक और प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री से अपनी आवाज़ को उठाई है और अगर हमारी बात जिन अधिकारियों के पास पहुंचे तो हमको न्याय और आवाज़ दिलाने की पूरी मदद करे, ऐसा कहना रहा बेचारी विधवा बेसहारा का। अब देखते हैं कि उसको न्याय कब तक मिलता है। प्रयाग एक्सप्रेस न्यूज के लिए राम बाबू पटेल की खास रिपोर्ट। आपका आवास ब्लॉक के उच्च अधिकारियों द्वारा जो जेईएमआई सर्वे करने आए थे आपका आवास काट दिए हैं, जैसा कि लिस्ट में दिखाई दे रहा है आपका घर वहां पे पहले से पक्का दिखाया गया है, तो आपके पास पहले से पक्का मकान है कि नहीं है? नहीं, हमारे पास पक्का कभों से नहीं रहा, हमारे कच्चा ही रहा और 15 साल हो गए, हमारे मनायु खत्म हो गए, तो बनवाइया नहीं बा, हमारे को कमवाइया नहीं बा, एक बिटिया के बेटवा है, बेटवा बहुत नाबालिग है, अब हम क्या कही कि हमार छावई बनवाई जहाँ जो छवैया के लगे जाए तो 250-300 रुपया दे तो छावैया हो तो हम केकर कमाई पाए कि जाए, ऐसे गिरत बा भारत बा प्रधान भरबू है कॉलोनी, तो जब ये आए जाँच करे तो हमसे पैसा मांगे लागे कि हमका 5,000 रुपया दा, हमारे पास नहीं रहा तो हम नहीं दे पा, हमार कॉलोनी काट दिए नी, अब जोगी मोदी हुआ बैठा है नी, अब कुछ देखत नहीं है कि हाँ गरीब पावत है कि नहीं पावत है, बैठे बैठे पैसा भेज या कहती बीच में अधिकारी खा लेत हैं, अहिया गरीब के पौता ही नहीं बाटे, कंधियारा ब्लॉक के जितने अधिकारी हैं वो अधिकारी नहीं कब देखें कि हाँ का बा का नहीं, इनके गरीब है कच्चा बा कि पक्का बाटे, वह तो कुछ जाँच करे चाहिए, क्यों जाँच करे वाला नहीं बाटे, अब हम ऐसे अपन लड़का लड़की ही अपन यही कच्चा घर में बीतवा था, अब क्या करे लगे जाए कि हमारी सहारा दिया, अब हमारे क्यों भाई नहीं बकत के काम लागे चला, हम यहाँ अधिकारी के लगे चली, वहाँ अधिकारी के लगे चली तो हमार सुना क्यों सुनता हूँ नहीं, अब योगी मोदी हुआ बैठा है नी, अब हमारी नहीं देखा था ना उन्हें वोटल दिया तब नहीं सोचा था कि हाँ गरीबन के कम से कम खोज करी, गरीब के खोज नहीं करता है, जेकर पक्का बा देत है कॉलोनी है जेकर कच्चा बा तो कर पक्का लिखी दी है अधिकारी आई आई, तो अधिकारी पैसा मांगते हैं, अधिकारी पैसा मांगा थी तब हम हमारे कमवाइये नहीं है तो हम दे ही कैसा ने, तो आप लगभग 15-20 साल से इस घर में गुजारा कर रहे हैं? हाँ ऐसे ही गुजारा करता ही, क्या सहारा दे वाला नहीं गया, और आपका ये जो शौचालय बना हुआ है इस पे छत नहीं ढली तो क्या आप अपने से बनवाई थी कि प्रधान द्वारा बनवाया गया? नहीं, प्रधान दुई दाई गड्ढा खोदान, एक दाई गड्ढा खोदान तो एक नाती रहा गिर गया तो गड्ढा मुंदाई दिया, फिर दोहराइया खोदान साल भर के बाद तो एक पणिया रही हमारी गिर गई तो फिर
पणिया कैसे वैसे 3 बजे रात गिरी तो क्यों घर में मरते तू नाही बाटे हम रहे हमारे जिन देवरान रहे 3 थे उनके छोट छोट लड़का रहे हम रहे तो ओका निकारा था ही नहीं निकार पा तो रात में 3 बजे जनक लगे गायक मरसेधुक लगे तो बुला लिया तो गड्ढा से पड़िया निकलवा गड्ढा मूंद दिया है प्रधान के लगे फोन कर प्रधान तब नहीं सुने ऐसा ही परब गड्ढा मूंद गया पड़िया मार 3 महीना लंगड़े रही बहुत दवा करा थे अब रेंगत ऐसे लंगड़ाई बा तो मतलब ये पूर्ण रूप से शौचालय आपका बना नहीं है नहीं नहीं बना बस छत हुआ नहीं डला गड्ढा पाट दिया तो जैसा कि जो MIJE आप कोंधियारा ब्लॉक के आपके सर्वे करने आए थे तो आपसे पैसे मांग रहे थे हाँ हमसे पैसा मांगे 5000 रुपया अब हमारे लगे रह भाई नहीं बहुत हम दे कहा जेकर लगे पैसा पाए ओकर भर देन जेकर पक्का बा वह पाए बा जेकर कच्चा बा ओकर पक्का लिख दे हैं नूना ही पास भाई हमारे लगे पैसा ही ना रहा हम दे कहाँ से पाई आपका नाम क्या है हमारा नाम नचकाई बा आप पेंशन पाते हैं हाँ पेंशन पाई थे कई साल से पा रहे हैं पेंशन पावा था ही आज हो गया लगभग 16 साल इतना ही 14 साल हो गया पावत मतलब कि जैसे 15 साल पहले खत्म हुए थे एक साल बाद पेंशन आपकी बनवा दिया गया था नेस प्रधान बनाए रहे बाकी उसके बाद आपको आवास के लिए न तो गांव के प्रधान जिम्मेदार हो रहे हैं न तो सेक्रेटरी जिम्मेदार हो रहे हैं न तो कोई आपकी मदद नहीं क्यों नहीं क्यों नहीं हमारे देखवा क्यों नहीं तो आप एक बार जो उच्च अधिकारी जो आपके प्रधानमंत्री हैं मुख्यमंत्री हैं उनसे एक संदेश दे दीजिए संदेश दे दीजिए कि क्या चाहिए आपको अपनी मांग बताइए हमारी मांग यही बा कि हमका योगी मोदी हमारा कॉलोनी दे होगा हमारे रहे कि हमारा ठिकान दे दें बस और हमारा पिलसिन हम पावत है और हमारे कुछ नहीं जा उसी पिलसिन से अपना काम चला लेती हाँ, हैं। हाँ पिलसिनी बस अपना पिलसिन पावा है अपन चलावा था काम और हमारे कमवाई नहीं है बनी मजूरी कर लिया वही में हमारा काम चलत बाटे नरेगा में काम करे जाती रहे।